हो तुम? अरे दीदी आप? हाँ मैं। कब आई तुम? अभी आई, मैंने देखा तुम सो रही हो, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। आओ यहाँ पे बैठो। तुम कब आई? बस अभी अभी आई थी मैं। बोलो। बस कुछ बातें करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना। और बताओ कैसी हो तुम? कुछ नहीं दीदी, सर दर्द कर रहा था ना इसलिए सोई थी मैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छी चल रही है। और एग्ज़ाम कब से हैं तुम्हारे? एग्ज़ाम बस ये दूसरे महीने में ही है, 28 अगस्त को। तैयारी कर रही हो? हाँ तैयारी हो रही है। और जीजू कहाँ हैं, गए क्या? हाँ वो गए, ऑफिस गए हैं। बड़े जल्दी निकल गए, सुबह जाते हैं तो हमेशा गुड मॉर्निंग साली जी बोल के जाते हैं, बड़े जल्दी चले गए। नहीं आज उनको बहुत ज़रूरी काम था ना वो। अच्छा अच्छा, रात को सो नहीं पाई होगी ना इसीलिए। क्या तू भी मजाक करती रहती, तू पागल होगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन चीज़ों पे ध्यान मत दे। अच्छा दीदी ये सब छोड़ो, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बताओ। यहाँ पर मैं आई हूँ तो एक महीने से आई हूँ ना, यहाँ पे एक महीने से रह रही हूँ। और घर पे भी छोटी छोटी बहन है संजू, तो मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ से जाऊँ। अब मैं तुमको यहाँ कॉलेज तुम्हारा पास पड़ जाता है इसलिए तुम मेरे पास आई हो, तुम अपना एग्ज़ाम दो। यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो तुम मुझे खुल के बता सकती हो। नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे है ना, मतलब कि यहाँ पे मैं रह रही हूँ, घर पे भी मम्मी पापा रहते हैं तो कोई ख्याल नहीं रख रहा होगा, और छोटी वाली बहन तो वो क्या करेगी, बस यही बात है। नहीं तो फिर यहाँ पे मैं रुक जाती। चलो कोई नहीं, मैं एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी। पापा का भी कल फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि वहाँ पे कैसे कैसे। तुमने बात नहीं किया ना? बोल रहे थे एक हफ्ते से फ़ोन नहीं आया, बात नहीं की हो? नहीं मेरे को ध्यान नहीं रहता है, इतना काम होता है कि मैं काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि फ़ोन मेरा खुद पता नहीं रहता है कहाँ पड़ा है कहाँ रखा है, कुछ याद नहीं रहता है, तो बस टाइम नहीं लग पाता है, तो मैं मम्मी पापा को कॉल कैसे करूँगी। सर वैसे जी ये कौन आ गया? लग गया तुम्हारे जीजू आ गए हैं। एक काम करो तुम जाओ फ्रेश हो, मैं देखती हूँ। ठीक है जाओ। कितना टाइम लगा दिया? कुछ नहीं, उस छोटी को उठाने गई थी तो उसको। अच्छा अच्छा, वो साली जी तो है ही नटखट, वैसे ही शरारती करती रहती है। चलो कोई बात नहीं, आज अंदर चलते हैं। लाइटर भी ना, एक ना वो कंपनी में बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया, पता है बीड़ी पी रहा था, अगर कंपनी में आग लग जाएगी तो कितना सा। आज सर को नहीं बताया, सर पकड़ लेते तो बहुत उसको मारते, निकाल भी देते कंपनी से। तो आप उसको यहाँ लेके आ गए? हाँ साथ में आ गया, ध्यान से उतर गया, ऑफिस में डाल देता। खैर ठीक है ले आया हूँ, एक बार दो बार तीन बार जब छीनूंगा ना उसको तो आधा सुधर जाएगा वो, नहीं तो कंपनी इतनी बड़ी है अगर थोड़ा भी आग लग गया तो कितने नुकसान हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो यार कंपनी की बात, क्या घर पे भी आता कुछ ना, मुझे ना छोटी सही से तो पढ़ रही है ना? हाँ पढ़ाई सही कर रही है, एग्ज़ाम है उसका अगले महीने। अगले महीने एग्ज़ाम है? अच्छा बस पापा से बात की हो घर? नहीं कहाँ बात कर पाई हूँ मैं घर पे, टाइम नहीं लगता है, आपको भी पता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इतना काम रहता है, छोटी को भी देखना पड़ता है, वो उसकी पढ़ाई चल रही है, अगले महीने एग्ज़ाम है उसका, तो मैं बस इतने बिजी रहती हूँ कि याद नहीं रहता है कि मैं घर पे कॉल कर सकूँ। छोटी बता भी रही थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, कि एक बार कॉल करके पूछ लो। मैं उसको हाँ कर देती हूँ, हाँ ठीक है मैं पूछ लूँगी, फिर मैं भूल जाती हूँ काम करने के चक्कर में, फिर छोटी भी बिजी हो जाती है, पढ़ाई करने लगती है। और हाँ आज वैसे भी छोटी बोल रही थी कि उसको कुछ सामान लेके आना है, तो आप उसको सामान दिलवाइएगा मार्केट से जो उसको चाहिए। शाम में? ठीक है शाम में मैं जाऊंगा मार्केट, मैं लेके जाऊंगा। वो तो यार प्यारी साली जी है और मुंह खोल के बोली है तो कुछ दिलाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर।
ठीक है, बातें तो होती रहेगी। जाओ थोड़ा चाय बना के लो, सर दर्द कर रहा है, बहुत थकान हो गई है। जाओ यार, साली भी आजकल जवान हो गई है, 2 महीने बाद चली जाएगी, मेरा दाल गलेगा नहीं। हालां मैं सोचा कि यहीं रहेगी तो आज ना कल तो दाल मेरा गल ही जाएगा, काम बन जाएगा, जाने की बात कर रही है। कोई नहीं, आज मार्केट के बहाने से ना, आज तो उसको किसी तरह से पटा ही लूँगा। आज उसको हाँ करवा के काम भी 35 कर दूँगा, क्योंकि साली इतनी खूबसूरत और मेरे हाथ से निकल के चली जाएगी। अरे बड़ी हॉट लगती, जैसे जैसे जवान हो रही है, बीवी की याद साला जा रहा है, साली की याद अंदर घुस रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब तक नहीं करूँगा ना, मेरे दिमाग पे चढ़ जाएगा। उसके साथ तो मैं प्यार मोहब्बत करके ही छोड़ूंगा। उफ, वो तो गई चाय बनाने, निशा को बुला लेता हूँ। दोस्त, ओ निशा, निशा, निशा। हाँ आई। क्या कर रही हो? आ जाओ ना इधर। आ रही हूँ। अरे दीदी गई है चाय बनाने, आ जाओ। जीजे जीजू के पास मन नहीं लगता क्या? हाँ जीजू बोलिए। अरे जीजू पे आजकल तो थोड़ा भी ध्यान नहीं है, कहाँ रहती है आजकल, खोई खोई सी। आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए, मैं दीदी से पूछी तो दीदी बोली ऑफिस चले गए। आप कब आए वैसे? हो गया आधा घंटा, आधा घंटा हो गया। अच्छा जीजू, मुझे शॉपिंग करने लेके जाना है, कुछ कुछ सामान लाना है मुझे। जीजू मुझे शॉपिंग करना है? अरे करा दूंगा, टेंशन ले रही है। अरे सुनो। हाँ बोलिए जीजू। पे एक बात बताओ, शॉपिंग कराने तो ले चलूंगा मैं, तो क्या लेना है? और ड्रेस लेना है, और वो क्या बोलते हैं, पेपर आ रहा है ना, तो उसका सामान वान लेना है। अच्छा पेपर आ रहा है, कितने दिन है? 1-2 महीने है ना? हाँ 2 महीने है, 28 अक्टूबर से स्टार्ट है। हाँ अच्छा अच्छा गाइड लेना है। चलो दिला दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा जीजे उजे पर थोड़ा, जीजू पे ध्यान नहीं रखती हो क्या? कहीं चक्कर उक्कर तो नहीं है? सारी सच बताना। नहीं जीजू, अभी मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। आप क्या? हम जीजू हैं, हमसे क्यों शर्मा रही है? नहीं जीजू ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। वैसे भी दीदी ने भी बोला है और घर वाले ने भी बोला है कि अगर जब तक तू पढ़ाई नहीं कर लेती तब तक तुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। फ़ोन भी अभी तक नहीं है मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर से पापा जी फ़ोन किए थे क्या? हाँ पापा ने फ़ोन किया था, बोल रहे थे कि वहाँ पे कैसी हो, क्या मतलब 1 महीने से यहाँ पे हो ना, इसलिए पापा मेरे को टेंशन है, और संजू है घर पे तो वही सब संभाल रही है पापा को। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी अब मैं घर पे जाऊँ, तो दीदी बोल रही है कि कॉलेज पास में पढ़ता है तो यहीं पे रहो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो मतलब कि जब ये पेपर ख़त्म हो जाएगा तब मैं चली जाऊँगी घर पे। अच्छा छोड़ो, अब तो जीजू से बहुत दूर होने वाली हो, कहना मैं जीजू पे ध्यान वन नहीं है, ये कितने काली घटा बाल, इतने हैंड्स, क्या लिपस्टिक है तुम्हारा। अरे जीजू ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, ये सब गलत काम थोड़ी है, मैं जीजा हूँ, कोई दूसरा थोड़ी हूँ। अरे जीजा का हक होता है, साली तो आधी घरवाली। अरे जीजू पागल हो क्या? क्या कर रहे हो सब? क्या कितनी खूबसूरत लग रही है साली जी। छोड़ो जीजू, आज ले लो ना ट्रेनिंग, कसम से बता रहा हूँ जीजू ये सब गलत है, छोड़ो प्लीज। अरे अब जवान हो गई है, शादी होने वाला, ट्रेनिंग ले लो ना, क्या हो जाएगा, मान जाओ ना जीजू प्लीज छोड़ो। निशा ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे थे तुम निशा के साथ? मैं क्या कर रहा था? अरे उसको आँख में कुछ पड़ गया था, वही निकाल रहा था, मैं क्या करूँ? अरे तो बच्ची है, ऐसे पागल जैसे क्यों सोचती है? कुछ नहीं कर रहे थे, फिर ये रो क्यों रही है? निशा बताओ क्या क्या है तुम्हारे जीजा ने तुम्हारे साथ? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करोगे? अच्छा मैंने उस दिन भी देखा था जब तुम सो रही थी, तुम्हारे बदन पे हाथ फेर रहे थे, आज तुम्हारे साथ ये हरकत कर रहे हैं। चलो फोन लगाओ पुलिस को, फोन लेके आओ, जाओ, बहुत हो गया इनका ड्रामा। तुम नहीं सुधरोगे, तुम बिगड़ते चले जा रहे हो, तुम्हारी आदत है ना ये, इतनी खराब होती चली जा रही है।
कि मैं बस क्या ही बताऊं। अरे चुप कर जा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ, आएगी ना जब पुलिस, जब तुम्हारे डंडे लगेंगे ना, जब पता चलेगा तुम। हाँ, बड़ी पुलिस को बुलाने वाली हो गई है। अभी रुकिए, अभी मैं बुलाती हूँ पुलिस को, ठीक है? कॉल लगाओ निशा जल्दी, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, बहुत हो चुका इनका ड्रामा, जल्दी करो। हेलो, सर आप थाने से बोल रहे हो? जी सर, मुझे एक केस करना है मेरे अपने हस्बैंड के ऊपर। ओके, ठीक है। वो ना उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, मैं बस आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे भी मारने के लिए चढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, आप जल्दी आइए, ठीक है? बी ब्लॉक, सर आप इस टाइम आ सकते हो? जी ठीक है, मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, आप आ जाइए बी ब्लॉक 122 में आ जाइए, ठीक है? ओके ओके, ठीक है सर, आइए। हाँ मैडम, क्या हुआ? नमस्कार सर। क्या हुआ मैडम? आइए बैठिए सर। बताओ बताओ। नहीं नहीं बैठिए ना, बैठिए, मैं बताती हूँ आपको। मैडम क्या बात है, मैटर बताइए। हाँ मैं बताती हूँ ना आपको क्या मैटर हुआ है। ये जो मेरे हस्बैंड है ना, मेरी बहन यहाँ बैठी हुई थी, मैं चाय बनाने के लिए गई, इनको शॉपिंग करने जाना था मेरी बहन को। अच्छा। ये लेके जाते साथ में। ओ। जब मैं आई तो क्या देखा पता है, ये मेरे हस्बैंड मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हरकत गंदी हरकतें कर रहे थे। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। जानते हैं सर, ये छोटी सी बच्ची है, मेरे पास बैठी थी, मैं क्या किया, एक बदन पे चीटी चल रहा था, मैं सोचा कि चलो हटा देता हूँ, अब साली है तो ट्रस्ट तो कर सकता हूँ ना सर। अब बताइए उसके चक्कर में ये मेरे पे बरस रही है, ऊपर से बोल रही तुम केस कर दूंगा, अब मेरे साथ क्या क्या नहीं बोल गई, क्या बताऊँ सर, अब घर का मैटर है। नहीं सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ए चुप कर जा, आप बैठ गए, ठीक है ना। उस दिन नाइट में मैं अंदर आई थी रूम में, तो मेरी बहन सोई हुई थी, अगर मैं क्या कर दिया तो उसकी बॉडी टच क्यों कर रहे थे आप नाइट में? हाँ चुप, पूरा बोल रहे थे उसको, पीछे बचा बचा कर रहा है। देखिए सर, आप इनको ले जाइए, आप इनको कितनी कड़ी सजा दीजिए, इतनी दीजिए कि ये याद रखें कभी अगले जन्म में भी किसी लड़की को ना छेड़े। अगले जन्म पहुंच गए, बहुत हुआ आपका। तू शांत होगा? सर सर मेरा बात सुनिए सर, लेडीज पे क्या भरोसा करते हैं सर, बच्ची है, मैं ऐसे हरकत कर सकता हूं? सर सर इधर इधर तुम इधर, ऐ चुप साथ में इधर जाओ। निशा इनको सब बताओ, क्या क्या है इन्होंने तुम्हारे साथ, पूरी बात बताओ। यहाँ पर मैं और जीजू बात कर रहे थे, तो इन्होंने इन्होंने बातों में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। अरे नहीं सर, ये शॉपिंग के लिए बोल रही थी, मेरे पास पैसे नहीं था, इसलिए झूठ बोल रही है। ये दोनों बहन ना मिलके मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है, सच बता रहा हूँ सर जी, ये शॉपिंग के लिए बोल रही थी। अच्छा। शॉपिंग के लिए ये नहीं, इसने मुझे बोला था, मैंने आपको बोला, तो आपने इसको बहाने से यहाँ बुला कर बैठा लिया और ये सारी हरकतें। नहीं सर, अब यकीन कीजिए सर, तुम सच बोल रहे हो ना? मैं सच बोल रही हूँ। वैसे भी एक बात बता, वैसे भी कोई बेबी अपने पति को फंसाएगी है सर, वो झूठ बोल रहे हैं दोनों और तू सच बोल रहा है। तू थाने में चल बेटा, नहीं सर मैं वहां बताता हूँ, तू बहुत मस्ती करने वाला।